लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण। संभावनाओं का सागर बहुत गहरा होता है कुंती। हम किन किन संभावनाओं की चर्चा करेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र की संभावना का वत्स। राजगद्दी और सिंहासन का लोभ किसे नहीं होता, ये संघर्ष को जन्म देता है। इसका अंतिम बिंदु विजय होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कोई भी षड्यंत्रकारी किसी भी सीमा तक जा सकता है। गुरुदेव, कहीं आपका संकेत? संकेत नहीं वत्स, संभावना। संभावना हो सकती है कि हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए दुर्योधन ने यह षड्यंत्र किया हो। दुर्योधन? दुर्योधन तो मेरा मित्र है गुरुदेव, और मेरा मित्र कभी भी इतना नीचे नहीं कर सकता। मुझे भी तुम्हारे विश्वास पर पूर्ण विश्वास है कर्ण, परंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हृदय को भटका देती हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जितनी ऊंची होती हैं, उसके गिरने की संभावना उतनी अधिक होती है। यह सदैव स्मरण रखना कर्ण। कहीं दुर्योधन ने ही तो नहीं किया यह सब? भाग्य ने एक बार फिर मेरे साथ अन्याय किया है। तुम्हारी मृत्यु का मुझे हार्दिक दुख है अर्जुन, परंतु उससे भी अधिक दुख मुझे भाग्य के इस निर्णय से है, जिसने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। यह उचित नहीं हुआ है अर्जुन, उचित नहीं हुआ है। एक बार तो तुम्हें हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण और कृपाचार्य ने बचा लिया था, दूसरी बार तुम गुरुदेव परशुराम के कारण बच गए थे, और आज मृत्यु तुम्हें मुझसे बचा कर ले गई। कभी जाति और गोत्र के नाम पर तुम बच जाते हो, तो कभी मृत्यु आकर तुम्हें बचा कर ले जाती है। तुम्हारा सौभाग्य हर बार अपना रूप बदल बदल कर तुम्हारे पास आता है और तुम्हारी प्रतिष्ठा को बचा कर ले जाता, और हर बार मुझे अपने आप को शांत करने के लिए विवश होना पड़ता है। इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को क्षण भर में मिट्टी में परिवर्तित कर देने वाली यह दुर्घटना कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कहीं हस्तिनापुर राज सिंहासन के लोभ में मित्र दुर्योधन ने यह षड्यंत्र तो नहीं? नहीं, दुर्योधन ऐसा नहीं कर सकता। दुर्योधन इतना नीचे नहीं कर सकता। परंतु फिर भी यदि दुर्योधन ने ऐसा किया है तो यह अनुचित है, अक्षम्य है।
पितामा, हम हस्तिनापुर कब पहुँचेंगे? पितामा, क्या हम वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे? कौन देगा हमें शिक्षा? क्या वहाँ हमें ढेर सारे फल मिलेंगे? कुंती, अब तुम्हारा वनवास समाप्त हो चुका। यदि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सबको किंदम ऋषि के आश्रम से यहाँ हस्तिनापुर लाकर हमने कोई भूल की है, तो ये हमारी भूल नहीं थी पुत्रवधु, तुम वचनबद्ध थे। कुमार अर्जुन की, राजकुमार अर्जुन की। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पौत्र, पौत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे युवराज बनाए जाने के समाचार ने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। वारणावत से तुम्हारे लौटने के पश्चात मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें राज मुकुट पहनाकर तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। किनका है ये अस्थि कलश जन, किनका शोक अकारण करते। भीष्म पितामह अनजाने ही पांडु सुतों का तर्पण करते। शकुनी की ये चाल समझ कर, शकुनी की ये चाल समझ कर मौन विदुर भी धारण करते। उन पर आज कहां से आए प्रभु जिनका संरक्षण करते। उन पर आज कहां से आए प्रभु जिनका प्रतिपालन करते। मेरे प्रिय पौत्रों और पुत्रवधु कुंती, तुम सबकी आकस्मिक मृत्यु पर हमें अत्यंत दुख है। ईश्वर तुम सबकी आत्मा को शांति दे। यदि ये सत्य है तो ये सत्य सुनने से पूर्व मुझे मृत्यु क्यों ना आ गई? शांत हो जाओ गांधारी, शांत हो जाओ। मैं मर क्यों ना गई स्वामी? विलाप और क्रंदन किसी समस्या का समाधान नहीं होते गांधारी, दुख तो हमें भी है। प्रिय पांडव पुत्रों एवं कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर मानो दुख का पर्वत आ गिरा हो, परंतु करो भी तो क्या करो। आप सम्राट हैं स्वामी, आपके राज्य में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और आप विवशता भरी बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता स्वामी। मैं कर ही क्या सकता हूँ गांधारी, मैं कर ही क्या सकता हूँ। आप सत्यता का पता लगाइए स्वामी, पता लगाइए कि ये मात्र एक दुर्घटना थी या योजनाबद्ध कोई षड्यंत्र, इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये जानना आपका उत्तरदायित्व है स्वामी। आप अपना उत्तरदायित्व निभाइए। दुर्घटनाओं पर किसी का वश नहीं होता गांधारी। आप इस तरह से मौन रहेंगे स्वामी तो हजारों प्रश्न एक साथ खड़े हो जाएंगे, शंकाओं और आशंकाओं के चर्चे होने लगेंगे। स्वामी यदि आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो सोचिए क्या आने वाला युग आपके दायित्व पर उंगलियां नहीं उठाएगा। गांधारी, क्या आपकी प्रजा आपकी निष्ठा पर संदेह नहीं करेगी? स्वामी इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि में जो भी है उस
उसे दंड मिलना ही चाहिए, उसे दंड मिलना ही चाहिए स्वामी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, कितनी क्रूरता से मार डालने की योजना थी। राज सिंहासन के लोभ ने एक भाई को दूसरे भाई के रक्त का प्यासा बना दिया है। हस्तिनापुर का कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। मुझे तो ये सब ताजश्री को बता देना चाहिए। ताजश्री को हस्तिनापुर में होने वाले हर षड्यंत्र का पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं विदुर, अभी इन सब बातों को गुप्त ही रखना होगा। ताजश्री कितने आहत होंगे ये सब सुनकर, और महाराज, महाराज तो संभवतः इस सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे और अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की बातों में आ जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें? वही करना चाहिए जो राज्य के पक्ष में हो, न्याय के पक्ष में हो और प्रजाजनों के हित में हो। यही महामंत्री का दायित्व है। उचित समय आने पर ही इस षड्यंत्र की गुप्तता को भंग करना होगा। अभी नहीं, अभी तो न जाने ऐसे कितने घिनौने षड्यंत्र को देखना होगा, सुनना होगा। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। धन तो अवश्य मिलेगा केशव, किंतु पहले यह तो स्पष्ट हो जाए कि दोषी कौन है। उसका भी पता चल जाएगा। या यूं कहिए कि पता चल गया है। पता चल गया है? कौन है वो? ये बताइए दाऊ कि पांडवों की मृत्यु से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? लाभ अवश्य गांधारी पुत्रों को होगा, किंतु कहीं तुम्हारा संकेत दुर्योधन की ओर तो नहीं? संकेत समझो या संभावना? नहीं केशव, हम ऐसी किसी भी संभावना को सत्य नहीं मानते। दाऊ, आप जानबूझकर इस सत्य को अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। संदेह की सारी उंगलियां केवल दुर्योधन की ओर हैं, परंतु आप इस सत्य को नहीं मान रहे। क्यों दाऊ, क्यों? क्योंकि हम दुर्योधन को अच्छी तरह जानते हैं केशव। वो हमारा शिष्य है और वो ऐसा कदापि नहीं कर सकता। दुर्योधन को मैं भी भली भांति जानता हूं दाऊ, और मैं ये भी जानता हूं कि केवल दुर्योधन ही ऐसा कर सकता है। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो किशन? इसलिए क्योंकि दुर्योधन की पांडवों के प्रति जो ईर्ष्या की भावना है वो बाल्यकाल से ही थी। ईर्ष्या की भावना? हाँ दाऊ, आपको स्मरण होगा कि बाल्यकाल में दुर्योधन ने भीम को विषपान करा के उसे मारने का प्रयास किया। तब तो वो असफल रहा, किंतु आज वो अपने प्रयास में सफल हो गया है। तब देखो केशव, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, किंतु बाल्यकाल में उसके द्वारा किया गया वो प्रयास उसका बचपना था। कुंती बुआ और पांडवों की मृत्यु का दुख हमें भी है केशव, किंतु जब तक सत्य सिद्ध नहीं हो जाता, मात्र संभावनाओं के आधार पर किसी पर भी संदेह करना हमें उचित नहीं लगता। भैया दाऊ, सत्य तो शीघ्र ही सामने आ जाएगा, किंतु जब तक मैं सत्य का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। माताश्री, कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, चलते चलो। पांच पुरुष और एक स्त्री, वो भी ब्राह्मण की वेशभूषा में, कहीं ये कुंती बुआ और उसके पुत्र तो नहीं? माताश्री, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है, अवश्य कोई गुप्तचर होगा। संभवतः दुर्योधन ने ही भेजा होगा।
ये तो हमारे ही समीप आ रहा है। यदि ये दुर्योधन का गुप्तचर है तो अभी मैं इसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुकिए आप लोग। नहीं भीम, ये कोई गुप्तचर नहीं है, ये तो केशव की सखा उद्धव है, हमारी भाई देवभाग के पुत्र। प्रणाम बुआ। आयुष्मान भव। उद्धव, तुम यहाँ वन में? हाँ बुआ, जब से आप लोगों के वानरव्रत में जलकर मर जाने का समाचार श्री कृष्ण ने सुना है तब से वो बहुत चिंतित हैं। उन्होंने आप लोगों का समाचार जानकर सच्चाई ज्ञात करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है, और धन्यवाद है ईश्वर को कि आप सब लोग सकुशल हैं। उद्धव, केशव से कहना कि जिसके लिए वे स्वयं चिंतित हैं, कोई भी संकट या षड्यंत्र उन्हें क्या हानि पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण जिसके शुभचिंतक हैं, मृत्यु तो उसके पास आते हुए भी भयभीत होती है। अच्छा बुआ, अब मुझे आज्ञा दें, श्री कृष्ण ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न होंगे। प्रणाम। आयुष्मान भवन। प्रणाम भ्रातागण। प्रणाम। आओ। केशव, केशव, केशव। कुंती बुआ, पांडव पुत्र का कुछ समाचार मिला? हाँ केशव, पांचों पांडव कुंती बुआ सभी सकुशल हैं। तुम सत्य कह रहे हो ना? तो कुंती बुआ और भ्रातागण सभी जीवित है ना? हाँ केशव, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने स्वयं उन्हें देखा है, उनसे वार्ता भी की है। वे लोग वानरव्रत के पास ही एक वन में रह रहे हैं। वन में रह? हाँ केशव, वे लोग वन में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मैंने जब उन्हें ब्राह्मण वेश में देखा तो मैं उन्हें पहचान नहीं सका। पांडव ब्राह्मण वेश में? हाँ वासुदेव, मुझे उनके वानरव्रत भेजे जाने और इस प्रकार आग लगने के पीछे किसी षड्यंत्र के होने का संदेह है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा होता, परंतु इस षड्यंत्र की रचना करने वालों को इसका परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। किंतु यह समाचार सुनाकर तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया उद्धव। पांडवों के जीवित होने से हस्तिनापुर और इस संसार को नई शक्ति प्राप्त।